नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। कल मैं एक वीडियो नहीं बना सका, कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि वीडियो शूट दिन में करना पड़ रहा था और अब सुबह से लेकर शाम तक लगातार सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक लगातार क्लास हो गया है। इस वजह से जो कि रात में थोड़ा सा जैसे तैसे करके लाइटिंग का व्यवस्था किए हैं, कल और बेल मेंटेनेंस को कर देंगे, ठीक है, तो इसलिए कल वीडियो मैं नहीं डाल सका। तो अभी आपको जैसा बता रहे थे कि मैं आप लोग के लिए स्टैटिक टॉपिक्स का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। आपको 2D पॉइंट सिलेबस का बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, लेकिन स्टैटिक टॉपिक्स उस टॉपिक्स को कहते हैं जिससे जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन वो टॉपिक के पढ़ाने के दरम्यान में टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, है ना। तो उन्हीं सब टॉपिकों से जो कि आपका हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा में है 18 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं और BPSC में आपका 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग किया जा सकता है इस पर कवर करके। जितने भी वीडियो जाएंगे 4 से 5 मिनट के वीडियो जाएंगे और उसमें आपका जो कि बहुत है जो कि स्कोर में मदद मिलेगा, ठीक है। और ये जितने भी मेरा पढ़ाने का अनुभव है उस सारे अनुभव को जो कि इसमें जो कि झोंक देते हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए जो कि मंगलवार से जो कि कई नए बैच आ रहा है, जैसे आपका जो कि सुबह 8 बजे से फाउंडेशन बैच, इसका भी बहुत डिमांड आ रहा था तो उसका जो कि हमने किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 9 बजे से 10:30 बजे तक के BPSC का नया बैच हालांकि चल रहा था, उसमें जो कि नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो वहाँ से वो नया बैच हो जाएगा। फिर आपका जो कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक के जो कि NTPC है, मैथ रीजनिंग और मैथ और GK और सेट, ठीक है। फिर आपका जो कि 6 बजे से 8 बजे तक के शाम में एक नया बैच आया BPSC और दरोगा के लिए, जो जॉब में है उन लोग को बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, बहुत सारा जो कि इंक्वायरी आ रहा था, उन्हीं सबको देखते हुए ये बैच दिया गया है, ठीक है। तो ये सब का जो कि फी भी ग्रुप में डाल दिए हैं, तो जिनके पास थोड़ी सी इकोनॉमिक दिक्कत होगा तो उनके लिए जो कि यूट्यूब पे हम हैं, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 30 लोगों को बैठने का वो जगह है, इसलिए जो कि मैं वहाँ पर मजबूर हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का नया टॉपिक देखने का काम करते हैं, गन्ना फसल के बारे में। गन्ना फसल है जो कि ये एक पेय फसल है, यह एक कैसा फसल है, पेय फसल है। और ये किस प्रजाति का पौधा है, बांस, है ना, किस प्रजाति का पौधा है, बांस। और ये उत्पादन में, तो उत्पादन में देखेंगे क्षेत्रफल में ब्राजील स्थान, क्षेत्रफल में ब्राजील प्रथम स्थान रखता है और हेक्टेयर में क्यूबा, है ना, वर्ल्ड मेज के उत्पादन में प्रथम स्थान। तो क्षेत्रफल में कहेगा तो ब्राजील और हेक्टेयर में कहेगा तो क्यूबा। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, ठीक है। चीनी का कटोरा आपका जो कि विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, भारत में चीनी कटोरा यूपी को कहते हैं और यूपी में चीनी का कटोरा देवरिया को कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में है और ये आपका देखिए राष्ट्रीय पेय फसल है, राष्ट्रीय पेय फसल अभी पाकिस्तान पिछले साल घोषित किया है, ठीक है। और गन्ना ऐप लॉन्च किया है यूपी सरकार ने, गन्ना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने गन्ना ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अभी देखिएगा कि अमेजन के जंगलों में गन्ना के फसल को लगाने पर रोक लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है, जिसको अभी हटा लिया गया है। और यह एक ऐसा फसल है जो खेतों में 12 से 15 महीना तक रहता है, 12 से 15 महीना तक रहता है ना। इसे एक बार लगा देने के बाद 2 से 3 बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे 2 से 3 बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अभी जितने भी मेरे वीडियो जाएंगे वो ट्रेडिशनल से लेकर के अपडेट तक के रहेंगे, है ना, शुरुआत से लेकर के अभी करेंट में उससे संबंधित जितने भी है जो कि क्वेश्चन आएंगे सारा को अपडेट किया हुआ है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।